अब जो अगला चैलेंज था, अगला जो सवाल था, सवाल है हमारे सामने कि ठीक है, नेचुरली रेडिएक्टिव सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट करते हैं, और इन रेडिएशंस को रोकने का तरीका भी हमने समझ लिया, मगर किस तरह की रेडिएशंस हैं, क्या है यह रेडिएशंस, इनको इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे समझने के लिए कुछ इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप बनाया गया। हमने लेड बॉक्स लेना है, इस तरह का लेड बॉक्स लिया गया। द वॉल थिकनेस ऑफ द लेड बॉक्स इज 8 to 10 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल लेड बॉक्स है। यह सेटअप हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी कुछ इस तरह का सेटअप बनाया था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखने के लिए। यह लेड बॉक्स है, इट्स मेड अप ऑफ लेड एंड द वॉल थिकनेस इज 8 to 10 सेंटीमीटर्स। सिलेंड्रिकल शेप का है, इस तरह से सिलेंडर है, पीछे भी वॉल थिकनेस 10 सेंटीमीटर और थ्रू आउट यह सर्कुलर वॉल थिकनेस 10 सेंटीमीटर। बीच में यह कैविटी है और इस कैविटी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम रख दिया गया है। दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव मटेरियल। एंड वी हैव गॉट अ पिन होल, इधर एक पिन होल है, थ्रू दिस पिन होल विल हैव फाइनली गाइडेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द रेडिएक्टिव सब्सटेंस। रेडिएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस वह इस पिन होल से बाहर आएंगी, एंड दे वुड बी फाइनली हाईली गाइडेड, बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली होगी। नाउ व्हाट वी यूज टू डू, हम तीन प्लेट रख देते हैं, एक प्लेट ऊपर, एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ठीक सामने। ऊपर वाली प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते हैं, नीचे वाली प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, और ठीक सामने वाली प्लेट पर हम जीरो पोटेंशियल न्यूट्रल रखते हैं। इस तरह का हमने सेटअप बनाया, और पॉजिटिव प्लेट पर भी हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पेस्ट कर दी है, इधर भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पर भी हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पेस्ट कर दी है, और सामने न्यूट्रल प्लेट पर भी हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पेस्ट कर दी है। दिस इज द फोटोग्राफिक प्लेट पेस्टेड ऑन द थ्री प्लेट्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फोटोग्राफिक प्लेट, दे वुड सेंस एनी रेडिएशन इफ इंसिडेंटेड, किसी भी तरह की रेडिएशंस यदि इंसिडेंट होती है तो इन प्लेट के ऊपर डार्क स्पॉट बन जाएंगे, काले धब्बे बन जाएंगे, और उससे हमें रेडिएशंस की प्रेजेंस इंडिकेट हो जाएगी। अब व्हाट वी ऑब्जर्व ऑब्जर्व्ड इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशंस निकल रही हैं, नेगेटिव प्लेट पर भी डार्क स्पॉट्स बन गए, पॉजिटिव प्लेट पर भी डार्क स्पॉट बन गए और न्यूट्रल प्लेट पर भी डार्क स्पॉट्स बन गए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, यह रेडिएशंस बाहर आ रही हैं और वी ऑब्जर्व डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ नेगेटिव प्लेट एज वेल एज द डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड एज वेल एज द डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल प्लेट।
वी कंक्लूड दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. एक वह रेडिएशन है जो निगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है और निगेटिव प्लेट से जाकर टकरा रही है. दूसरी वह रेडिएशन है जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है और पॉजिटिव प्लेट से जाकर टकरा रही है. और एक वह रेडिएशन है जो कहीं डिविएट नहीं हो रही है, जो बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती चली जा रही है और जो सामने न्यूट्रल प्लेट से जाकर टकरा रही है. एक बात हम ऑब्जर्व करें, निगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट होने वाली जो रेडिएशन है वह धीरे धीरे डिविएट होकर दूर जाकर टकरा रही थी. पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट होने वाली जो रेडिएशन है वो तेजी से डिविएट होकर काफी करीब आकर टकरा गई. इधर डार्कनिंग इफेक्ट काफी करीब काले धब्बे देखे गए और इधर जो काले धब्बे हैं काफी दूर देखे गए और न्यूट्रल प्लेट पर ठीक सामने डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं. वी कंक्लूड दैट देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. निगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट होने वाली रेडिएशन को हमने अल्फा रेस नाम दिया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट होने वाली रेस को हमने बीटा रेस नाम दिया, और अनडिविएटेड रेस जो कहीं पर भी डिविएट नहीं हुई, जो बिल्कुल सामने वाली प्लेट पर जाकर टकराई, उन्हें हमने गामा रेस नाम दिया. वी सेज दैट थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर रेडिएटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन. दिस इज फॉर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान यह तीन तरह की रेडिएशन एमिट होती हैं. दिस इज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विथ नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. This is natural radioactivity. Alpha, beta, and gamma radiations. These three types of radiations are emitted during natural radioactivity. Up. Our next task is to learn about the three types of radiation. आखिर यह अल्फा radiations क्या है, यह बीटा radiations क्या है, यह गामा radiation क्या है. मैं एक एक करके अब तीनों radiation के बारे में समझाऊंगा. सबसे पहले अल्फा radiations के बारे में, about अल्फा rays. पहली बात, अल्फा rays consist of, आप देखिए अल्फा rays negative plate की तरफ मूव कर रही है, निगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट कर रही है. यह निगेटिव प्लेट की तरफ तभी डिविएट करेंगी जब इन रेडिएशंस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा. वी यूज टू से अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज. अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज. Each alpha particle have got charge equal to 2 protons and each alpha particle have got mass of 4 amu. Alpha rays consist of positively charged alpha particles. Each alpha particle have got charge of 2 protons and it have got mass of 4 amu. In fact, they are massive particles. अब जरा सोचिए अल्फा पार्टिकल फिर किस तरह के हो गए. जरा हीलियम एटम के बारे में सोचिए. हीलियम एटम में हीलियम न्यूक्लियई होता है. इस हीलियम न्यूक्लियई में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं. दो प्रोटॉन की वजह से हीलियम न्यूक्लियई में दो पॉजिटिव चार्ज होता है, दो प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होने की वजह से 4 एमयू मास होता है. इसके अलावा हीलियम एटम में चारों तरफ घूमते हुए, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट इज हीलियम एटम. अब जरा सोचिए हम यदि हीलियम एटम में से दोनों बाहर घूमते समय घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें और सिर्फ हीलियम न्यूक्लियई को इमेजिन करें. हीलियम न्यूक्लियई, हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए और सिर्फ हीलियम न्यूक्लियई के बारे में सोचिए. उस हीलियम न्यूक्लियई के पास में
प्लस टू चार्ज होगा, दो प्रोटॉन के बराबर चार्ज होंगे और उसका भी मास 4 mE होगा। हीलियम न्यूक्लियाई बिल्कुल अल्फा पार्टिकल जैसे होंगे, या फिर यह कहिए दिस हीलियम दिस अल्फा पार्टिकल आर आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियाई, दिस अल्फा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियाई। जैसे हीलियम न्यूक्लियाई होता है बिल्कुल वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, दे आर मैसिव पार्टिकल्स। हम इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल को, हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियाई। अब दिस अल्फा पार्टिकल्स ऑलवेज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1% टू 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। यदि हम इन अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी देखें, देयर वेलोसिटी रेंज फ्रॉम 1% टू 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट मींस दे हैव गॉट वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ 10^6 मीटर्स पर सेकेंड टू 3×10^7 मीटर्स पर सेकेंड। अल्फा पार्टिकल्स की यह जो वेलोसिटी होती है 3×10^6 मीटर्स पर सेकेंड से 3×10^7 मीटर्स पर सेकेंड के रेंज में होती है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेस। अब जरा सोचिए, अल्फा पार्टिकल्स के पास मास है 4 mU। दिस 4 mU मास, इट्स टर्म्ड टू बी अ ह्यूज मास, इट्स टर्म्ड टू बी अ लार्ज मास, एंड दिस वेलोसिटी वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ 10^6 टू 10^7 दिस इज ऑल्सो लार्ज वेलोसिटी ओइंग टू, मैं इसे पॉइंट वन कहता हूं, ओइंग टू लार्ज मास एंड लार्ज वेलोसिटी दे हैव गॉट ह्यूज मोमेंटम। ओइंग टू और ड्यू टू लार्ज मास एंड वेलोसिटी दे हैव ह्यूज मोमेंटम, ह्यूज मोमेंटम, इनका मोमेंटम काफी अधिक होता है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड इट्स लार्ज। इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल एक दौड़ते हुए हाथी के माफिक है। जैसे हाथी बहुत अधिक मास होता है और यदि वह दौड़ने लगे तो अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ में दौड़ता है, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे इमेजिन करो कि यह दौड़ते हुए हाथी के माफिक है। ओइंग टू दिस ह्यूज मोमेंटम दे कुड नॉट बी इजिली डिविएटेड, आप इनको आसानी से डिविएट नहीं कर सकते हो, इन पर यदि आप फोर्स लगाओगे तो आप इनको आसानी से डिविएट नहीं कर पाओगे। आप देखिए अल्फा पार्टिकल्स को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करा है और इन पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में यह धीरे धीरे डिविएट हो रहे हैं और दूर जाकर टकरा रहे हैं। हेंस एंड हेंस कुड नॉट बी इजिली डिविएटेड, इजिली डिविएटेड, इनको डिविएट करना आसान नहीं होता है। जैसे दौड़ते हुए हाथी को यदि आप धक्का लगा के गिरा सकते हो क्या? कभी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से इन अल्फा पार्टिकल पर चाहे आप इलेक्ट्रिक फोर्स लगाओ, चाहे आप मैग्नेटिक फोर्स लगाओ, इन्हें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करो, डिविएट तो होंगे मगर धीरे धीरे डिविएट होंगे और इसीलिए दूर जाते हुए दूर जाकर टकरा रहे हैं। वी यूज टू से सिंस दिस अल्फा पार्टिकल्स हैव गॉट पॉजिटिव चार्ज, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, हेंस दे हैव गॉट ह्यूज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, इनकी आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी काफी अधिक है, दे हैव गॉट लार्ज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, लार्ज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। ऐसा क्यों भाई? ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस मीडियम में पेनिट्रेट करेंगे उस मीडियम से उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन को खींचकर अप
अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से यह जो अल्फा पार्टिकल है यह जिस मीडियम से पास होंगे उस मीडियम से दो इलेक्ट्रॉन को खींचकर हीलियम गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे और हीलियम गैस में कन्वर्ट होकर ये शांत हो जाएंगे, फिर इनकी एक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। दिस अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइज इवन द गैस मीडियम, यह जिस गैस से पास हो रहे हैं उसको आयोनाइज करते हैं। दे इवन आयोनाइज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ऑक्सीजन गैस से जब अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे तो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल से उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और O2 पॉजिटिव बना देंगे। नाइट्रोजन गैस से यदि अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे तो इवन नाइट्रोजन गैस से भी उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और उसको N2 पॉजिटिव बना देंगे। दे आयोनाइज इवन द गैसेस, ये गैस को भी आयोनाइज कर देते हैं ऑक्सीजन। और खास बात, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया उसको तो O2 पॉजिटिव बना दिया और स्वयं ने इलेक्ट्रॉन लेकर स्वयं हीलियम गैस बन गया और हीलियम गैस बनने के बाद ये शांत हो जाते हैं। सो दिस अल्फा रेस और अल्फा पार्टिकल्स हैव गॉट लार्ज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट, दे हैव गॉट लेस पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर कोई खास नहीं होता है। दे हैव गॉट वेरी लेस पेनिट्रेटिंग पावर। अब एक बात जरा समझिए, पेनिट्रेटिंग पावर किस बात पर निर्भर करेगा? एक तो वेलोसिटी, दूसरा साइज और तीसरा आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। वेलोसिटी ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा और साइज ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा। ऑल्दो इनके पास अच्छी खासी वेलोसिटी है मगर इनका साइज भी बहुत ज्यादा है। साइज ज्यादा होने की वजह से, अल्फा पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल होने की वजह से इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम है। और दूसरी बात, इनका आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, भाई आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी यदि ज्यादा होती है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाता है। क्यों? भाई कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करते हुए जब वो किसी गैस से उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन खींचने वाले प्रोसेस में वह अपना मोमेंटम गंवा देगा, वह अपनी वेलोसिटी गंवा देगा और उसका पेनिट्रेटिंग पावर को कम कर लेगा। सिंस दे हैव गॉट लार्ज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी हेंस दे हैव गॉट लेस पेनिट्रेटिंग पावर। सिंस दे हैव गॉट लार्ज मास हेंस दे हैव गॉट लेस पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम होने की दो वजह है, एक तो इनका साइज ज्यादा होना और दूसरा इनका आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होना। दे कैन पेनिट्रेट अप टू 0.1 मिलीमीटर ऑफ लेड शीट। लेड में यह सिर्फ 0.1 मिलीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। 1 मिलीमीटर ऑफ आयन, आयन शीट में यह 1 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे। 10 मिलीमीटर ऑफ कॉन्क्रीट, कंक्रीट वॉल में इस तरह की दीवार में यदि पेनिट्रेट करेंगे तो 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे। एंड 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर, हवा में ट्रेवल करते हुए यह 10 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर पाते हैं और 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद यह शांत हो जाते हैं। कैसे? भाई जब हवा में ट्रेवल करेंगे, जब अल्फा पार्टिकल एयर में पेनिट्रेट करेंगे तो एयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देंगे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आयोनाइज करने पर स्वयं हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और 10 सेंटीमीटर तक ही ट्रेवल कर पाएंगे। इधर इस बात को हम जरूर बताना चाहेंगे, ये जो पूरा चैम्बर, ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है, ये पूरा सेटअप इट्स केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा गया है। हम कहते हैं यह अल्फा पार्टिकल यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में ट्रेवल करेंगे तो बिल्कुल ही ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, 10 सेंटीमीटर के अंदर ही तो ये खत्म हो जाएंगे। ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यहां कोई एयर नहीं है और यह अल्फा पार्टिकल इवैक्यूएटेड चैम्बर में ट्रेवल करते हुए दूर तक जा पा रहे हैं। हम कहते हैं दिस अल्फा पार्टिकल पजेस ह्यूज एनर्जी, दे ट्रांसमिट ह्यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दे ट्रांसमिट लार्ज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अल्फा रेस
transmit huge energy in the form of kinetic energy, and kinetic energy of each alpha particle is half mv square. यह जो alpha rays हैं, they are energetic rays. They transmit huge energy. इनके पास काफी अधिक energy है, और ये जो energy transmit करते हैं kinetic energy के form में करते हैं. एक एक alpha particle के पास जो kinetic energy होती है half mv square. और खास बात, यदि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वी कैन ड्रॉ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी. यदि हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, देन विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस. एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें मिलेगा. दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. यदि हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस एनर्जी प्लॉट करें, दिस मच energy is possessed by this much number of particle, this energy is possessed by this much number of particle. यह जो energy distribution curve हमने बनाया है, यह energy distribution curve बिल्कुल वैसा ही है जैसा gases के लिए होता है, जैसा gas molecules के लिए होता है. gas molecules का energy distribution भी कुछ इसी तरह का है, Maxwell distribution. alpha particles का energy distribution इस तरह से होता है. we used to say this. Since they have got huge energy, since they transmit huge energy, hence they affect photographic plate. Alpha rays affect photographic plate. Photographic plate से टकराने पर यह photographic plate को darkened करती हैं. They affect photographic plate. और इसी तरह से हमने इधर इनकी presence को detect करा है. हमने इस नेगेटिव प्लेट पर फोटोग्राफिक प्लेट पेस्ट कर दी, और फोटोग्राफिक प्लेट से जब यह अल्फा पार्टिकल आकर टकरा रहे हैं तो उसको डार्कन कर रहे हैं, उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उधर एक डार्क स्पॉट बना दे रहे हैं. एंड इट्स बिकॉज दे हैव गॉट ह्यूज एनर्जी. फोटोग्राफिक प्लेट से जब कोई इनर्जेटिक रेस, जब कोई इनर्जेटिक पार्टिकल्स आकर टकराते हैं तो वहां फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट बन जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट काली होने लगती है. अल्फा रेस भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं. And when exposed to human body, they cause skin cancer. यदि यह human body से टकरा जाए तो skin cancer कर देते हैं. alpha particle से कोई बहुत ज्यादा अंदर तो penetrate कर नहीं सकते, alpha particle जब skin से टकराएंगे तो skin को जला देंगे. energetic particles skin के अंदर नहीं जा पा रहे, इसलिए अंदर कोई असर नहीं है, मगर पूरी हमारी खाल को जला देंगे. they cause skin cancer when exposed to human body. They cause skin cancer. They make skin cancerous. This is all about alpha rays. Alpha rays के बारे में यह सारी बातें हमें जानना अनिवार्य है. सबसे पहली बात, alpha rays consist of stream of positively charged alpha particles. Each alpha particle have got charge of 2 proton, mass of 4 mu. Hence alpha particles are identical to helium nuclei. They have got velocity in the range of 1% to 10% of velocity of light. It means they have got velocity in the range of 3 into 10 to power 6 to 3 into 10 to power 7 meters per second. There is huge velocity and they have got huge mass. Owing to large mass and large velocity, they have got huge momentum. Alpha particles ka momentum kafi adhik hai. And since they have got huge momentum, hence they could not be easily deviated. Inko deviate karna itna aasan nahi hai. They have got large ionization capability. They ionize even the gas medium. They ionize the gases like oxygen and nitrogen as well. Oxygen aur nitrogen gas ko yadi ionize kar sakte hai, matlab kisi ko bhi ionize kar sakte hai, sabko ionize karte hai. सिर्फ इनर्ट गैस को आयोनाइज नहीं कर पाएंगे, बाकी सबको आयोनाइज करेंगे, और आयोनाइज करके स्वयं हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक बार हीलियम में कन्वर्ट हो गए तो गैस में कन्वर्ट हो गए तो शांत हो जाएंगे. दे हैव गॉट वेरी लेस पेनिट्रेटिंग पावर. इनका पेनिट्रेटिंग पावर कोई खास नहीं होता है. लेड के अंदर यह 0.1 मिलीमीटर तक, लोहे के अंदर यह 1 मिलीमीटर तक, कॉन्क्रीट में यह 1 सेंटीमीटर तक, और हवा में यह 10 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करते चले जाते हैं. काफी अधिक एनर्जी होती है इनके पास. जो एनर्जी होती है वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, और एक एक अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वह हाफ एम वी स्क्वायर. एम इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इनका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह से होता है. और फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि टकराते हैं तो उसको इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को पर टकराते हैं तो स्किन को कैंसरस बना देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अल्फा रेस. नाउ लेट्स
लर्न अबाउट बीटा रेस। इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं बीटा रेस के बारे में बताऊंगा।